और एक बात तो जरूर बताऊंगा कि जो भी यहाँ के लोग हैं, अगर आपको लगता है कि आप संघर्ष करते करते आपको कहीं पर भी सपोर्ट नहीं मिलता है, कोई आपको मदद नहीं करता, तो एक नाम आप जरूर याद कर सकते हैं, गोपाल जी को, और आप मेरे पास आ सकते हैं, मैं आपके साथ में करने का प्रयास करूंगा। मैं हरिश्चंद्र मिश्रा जी और उनके दोनों सुपुत्रों को फिर एक बार बधाई भी देना चाहूंगा, आपका अभिनंदन भी करना चाहूंगा, क्योंकि आदित्य कॉलेज इज वन ऑफ द टॉप कॉलेज इन द सिटी ऑफ मुंबई दिस डेज। आई विल बी हैप्पी टू हियर एंड सी इट शुड बी इन महाराष्ट्र एंड इन आवर कंट्री वन डे। विथ माई ऑल बेस्ट विशेज टू यू एंड ऑल द स्टूडेंट्स आई कंक्लूड हियर। धन्यवाद। भारत माता की जय। एंड जय महाराष्ट्र। जमाना आया है तो बिल्डिंगें भी बहुत खूबसूरत लगता है और हम रहने वाले को भी उसका लाभ मिलता है। और ये जो डिज़ाइन फेयर इन्होंने आयोजित किया है, सिर्फ बिल्डिंग और बिल्डिंग के एलिवेशन के अलावा घर में किस प्रकार का वातावरण हो सकता है, ग्रीन एनवायरनमेंट आप घर में कैसा क्रिएट कर सकते हो, सारी बातों को यहाँ पर उतारने का उन्होंने प्रयास किया है। तो एक अभिनव कल्पना है ऐसा मैं मानूंगा, और ये बच्चों को और आगे ले जाने में, उनके ब्रेन को और शार्प करने के लिए, नई नई चीज़ को खोज करने के लिए एक बहुत बड़ा लाभ होगा। उन्होंने इस बार एक मैगज़ीन का भी यहाँ पर इनॉग्रेशन किया, जिसमें बहुत सारी उपलब्धियाँ उन्होंने प्रदर्शित की है। तो मैं मानता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, और ये चार दिन का ये फेयर चलने वाला, तो चार दिन में बहुत सारे लोग आएंगे, आर्किटेक्ट्स आएंगे, जो रियल इस्टेट से जुड़े हुए लोग आएंगे, ग्रीन एनवायरनमेंट से जुड़े हुए लोग आएंगे, और टॉप मोस्ट लोग जब आकर इस प्रकार को देखकर वो खुशी जाहिर करेंगे, तो बच्चों का मनोबल बढ़ेगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और कुछ नई बातों को करने की, नई चीज़ को डेवलप करने की इच्छा उनके मन में जगेगी। तो मैं एक सांसद के नाते स्कूल के कर्ता धर्ता, यहाँ के जो आर्किटेक्ट्स है, प्रिंसिपल्स है, उन सारे लोगों को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। हमारे पास पैसे नहीं थे, कोई व्यवस्था नहीं थी, कायदे कानून इतने कड़क नहीं थे, तब उन दिनों में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती थी। अब हम पढ़ लिख कर होशियार हो गए, बुद्धिमान हो गए, पैसे वाले हो गए, इतने सारी व्यवस्थाएं हम सब लोगों के सामने आई है, उसके बावजूद भी इन सारे घटनाएं होती रहती है, होना नहीं चाहिए। एक सांसद के नाते हमारी सरकार जो रेपिस्ट है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा किसे कैसे मिले, जल्दी से जल्दी उसको सज़ा कैसे मिले, इसकी व्यवस्था हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। देखिए, ये बातें कोर्ट में है, कोर्ट में जा रहे लोग तो न्यायाधीश है, उसके बारे में वो टिप्पणी करेंगे। मैं मानता हूँ कि जो हो गया हो गया, उसके बारे में कोई टिप्पणी देकर और कोई नई बात को खड़ा करना ये उचित नहीं होगा। थैंक यू। नहीं, हंगामे कुछ गलत लोग कर रहे हैं, मैं आपके टीवी के माध्यम से इस बात को पहुँचाना चाहूँगा, ये जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल पास हुआ है ये देश के हित में हुआ है। 2014 तक जो लोग हमारे देश में आकर जो वास्तव्य कर रहे हैं आज़ादी के बाद, ऐसे सारे लोगों को सिटीजनशिप देने का काम हमने किया है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और ये जो NRC के बारे में भी अब जो बिल आएगा, जो हमारे देश के नागरिक नहीं है उनको ढूंढकर उनके देश में भेजने का प्रोविज़न भी हम कर रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि किसी भी सरकार इससे कोई अच्छा काम कर सकती है। अगर कोई हो तो आपके टीवी के माध्यम से जो बुद्धिमान लोग हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वह हमसे संपर्क करें और उनके दिल और दिमाग में क्या बातें हैं वो हम तक पहुँचाने का प्रयास करें। नहीं, देश के गृह मंत्री जी ने बहुत खुले शब्द में कहा है पार्लियामेंट में, जिनके पास पेपर है, किनके पास पेपर नहीं है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है 2014 के पहले, तो ऐसे सारे लोगों को सिटीजनशिप दिया जाएगा, ये उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। कार्यक्रम ही बच्चों का है, और बच्चे, गोपाल शेट्टी जी हमारी स्ट्रेंथ है, उन्होंने कभी भी किसी कार्यक्रम में बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए कभी भी मना नहीं किया है, और आज उनके आने से हमारे बच्चों ने जो उनका जो काम प्रदर्शित किया है, मैगज़ीन इतने कम टाइम में निकाला है, तो उनका मनोबल और बढ़ा है, और हमारी शुभकामनाएँ, हम शिक्षक हैं और शिक्षक के तौर पे हम यही चाहेंगे कि हमारे बच्चे सफलता प्राप्त करें आगे। थैंक यू। मैं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर हूँ, और यहाँ पर श्री गोपाल शेट्टी जी ने आके हम सबका बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की है, और हम लोग को ऐसा लग रहा है कि इस प्रेरणा से हम लोग आगे भी बहुत सारे इस टाइप के समिट्स, इस टाइप के डिज़ाइन फेयर्स और भी ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, और इस तरीके की जो हम लोग को वो मिलती है
प्रोत्साहन मिलता है, उसकी वजह से स्टूडेंट्स और जो फैकल्टी है वही किसी भी इंस्टीट्यूट का वो सबसे बड़ा सोल होते हैं, हार्ट एंड सोल। तो उनकी वजह से, उनकी उपस्थिति की वजह से हम सब लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला है। सो आई वुड लाइक टू से कि एज एन इंस्टीट्यूशन वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम द मीडिया ऑल्सो टू बी एबल टू कवर द आदित्य डिज़ाइन फेयर। वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट इट एंड वी आर टोटली चार्ज्ड अप एंड एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट 4 डेज। थैंक यू वेरी मच। सर क्लोज आ जाइए। हिंदी इंग्लिश मराठी किसी में भी बोल रहा हूँ। बॉडी डिजाइन फेयर इज वन ऑफ द बेस्ट इवेंट हैपनिंग इन बॉडी बिल्डिंग टुडे। इट्स अ ग्रेट थिंग आफ्टर हैविंग फेयर इन बांद्रा फेयर वी आर वेरी पॉपुलर। यू ऑल्सो हैव काला घोड़ा, व्हाई नॉट बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग डिजाइन फेयर इज अ डिजाइन एंड आर्ट्स पुट टुगेदर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट for the local public to interact with each other, talk to each other, meet each other, and it's a great opportunity and look forward that this fair happened year after year, brings much more awareness among people, among the public, so much more happiness. This is one of the best places happening with the Ditya group over here and Ditya campus. Management put together, they produce a very good product together, and they definitely look forward to have very nice. This is an encouragement to all the children, and they, when they come together, there's an exchange of ideas which puts them for their betterment. Thanks. Event. We are celebrating for last 6 years. This is our 6th year. The third series. We are happy to say that every day and every year we are getting good response from the people. About 4,000-5,000 people they are visiting our fair and giving blessings to our students. With their blessings, our students get encouragement, and year by year we are growing like anything. We believe that education should be given to the students, academic education should be given to the students, but to make them a good citizen and all-rounded person, they must have. Designing fashion, designing shoe designing, makeups and all that. So all these arts and designing are incorporated in our this design fair, and I hope that with the support fair at the Grand Church. Thank you. Thank you sir. आप क्या कहना चाहेंगे? Okay sir. सर मुझे वही कहना है, ये मेरी प्लानिंग है, उसके विषय में जो ऑब्जर्वेशन देना है सर लोग दे रहे हैं, मेरा वही है बस कुछ। This is a very good exhibition, and all the students are taking part, and it's a very good program. It's going on inside also now. So all the best to all the students and the college. Sure.